अब मैं उस शख्सियत का, प्लीज बैठ जाए एक मिनट बात, उस शख्सियत का नाम ले रहा हूँ जो जिनको लोग सखी हातिम के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जब वो खुदकुशी कर रहे थे तो उनकी माली इमदाद के लिए घर घर घूम घूम के गांव गांव फिरने वाली शख्सियत जनाब यूसुफ अबरानी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, एक सेमेल से गुजारिश करता हूँ तो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे अध्यक्ष इनामदार साहब, हुसैन दलवाई साहब, हमारे एक्स मिनिस्टर, मेरे अच्छे दोस्त अनिस अहमद साहब और तमाम हमारे यहाँ जो भाई बैठे हैं, मैं शुरू से सुनते सुनते अब तक यहाँ बैठा था। बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें जो आज का मकसद उससे हट कर भी बातें हुई, लेकिन इनामदार साहब को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि किसी को ज़रूरत ही नहीं बोलने की। हमने बहुत सारी बातें सुनी है बहुत जगह। देखिए, मैं एक बात कबूल करता हूँ कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से मेरा भी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो के बराबर था, लेकिन जब से ये मराठा रिजर्वेशन का मामला शुरू हुआ तो हमने भी जानना शुरू किया कि मसला कैसा है, उसको कहाँ तक पहुँचेगा और क्या होगा। तो बहुत सारी बातें मैंने मालूम की। सर, एक बात आपसे पूछनी थी मुझे कि प्रीवी काउंसिल के वक्त जब पहली बार दलितों का रिजर्वेशन की बात चली 10 साल की, तो उस टाइम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने ये कहा था कि हमको हमारी कौम को भी रिजर्वेशन चाहिए। तो हमारी एक लेडी फर्स्ट एमपी थी शायद, बेगम अजीज़ा रसूल, उसने ऑब्जेक्ट किया था कि हमको नहीं चाहिए रिजर्वेशन। उनका उनकी वजह यह थी कि मेरी कौम अपने पाँव पे खड़े होगी, आपके रहमो करम पे नहीं। ये वो उस वक्त का एक हमारा अजम था कि हम लोग अपने पढ़ लिख के आगे बढ़ के हमारा हक लेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम चल रहा था और काफ़ी ऐसी कास्टें थी जो बहुत पीछे थी, तो उनको आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन का मामला शुरू हुआ और बाद में ये वोट बैंक बन गया और फिर पॉलिटिक्स शुरू हुआ। अब वोट हासिल करने के लिए ये बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, किसी ने जिक्र किया इस्लामी युवाना की मीटिंग के बारे में, तो मेरा ऑब्जेक्शन था उस मीटिंग के बारे में कि अगर बम्बई का या महाराष्ट्र का पॉलिटिकल लीडर खड़ा हुआ इस बात को लेकर तो आपका ये मूवमेंट फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी पार्टी का नाम चमकाना अपना वोट हासिल करने के लिए। वो आपके हमदर्द नहीं है, उनको ठीक है आज एमएलए हैं, वो अपनी पार्टी में काम करते हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है उसलिए एमएलए हैं, वरना वो भी सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है, सिर्फ उनको टिकट मिला जीत के गए इसलिए वो एमएलए हैं। लेकिन उनके दिल में जो जो जज्बा इनके दिल में है, इनामदार साहब के दिल में, और जो आप लोग जो बैठे हो जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, आपकी सोच उनके सोच बिल्कुल अलग है। वो चाहते पार्टी बढ़े आगे, वो चाहते हमारा नाम अखबार में हमारा नाम आ जाए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नाम के लिए काम करते हैं और जो ऐसे लोग होते हैं काम के लिए काम करते हैं। इनामदार साहब वो इंसान है जिन्होंने काम करके दिखाया भी आपको, इनका काम बोलता भी है। अब देखिए, बात ये है कि हम एक दिन मीटिंग करते हैं, फिर सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पे हमारा फोटो आ गया, नाम आ गया, हमारा मकसद पूरा हो गया, वो मामला वहीं के वहीं रहता है, आगे बढ़ता नहीं है। और ये है कि अगर मराठा से आपको सीखना है कुछ, कि मराठा ने हर सिटी के अंदर अपना एक आदमी अपॉइंट किया जो वहां से आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, वो पूरे महाराष्ट्र का एक बड़ा मोर्चा बंबई में या कहीं पहुंचेगा, तो आपको चाहिए कि आप भी हर सिटी के अंदर ऐसा एक आदमी अपॉइंट कीजिए जो वहां के मुसलमानों को लेकर उनसे बात करे और एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो। और जो बार बार ही कहा जाता है कि लोग रास्ते में आएंगे तो मर जाएंगे, मार डालेंगे, जो कौम डरती है वो कभी आगे नहीं बढ़ती, जो कौम डरती है वो कभी आगे नहीं बढ़ती, ये डर निकालो दिल से। मैं जानता हूं कि आजाद मैदान का जो मोर्चा हुआ था वहां फायरिंग में 2 लोग मर गए थे, उसके बाद जो डर का माहौल पैदा हुआ हमारी कौम के अंदर कि हमने जायज बातों पर बोलना बंद कर दिया, मतलब बेस इतनी बेस हो गए कि अगर हमारे बच्चों को जो हमारे घर में कुछ होता तो हम बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी का रूल है, बीएचपी करेगी, आरएसएस करेगी, कब तक डर डर के जियोगे? डर डर के जीना मतलब एक बार जीना, अगर रोज मरना है तो जीना एकदम मतलब नहीं जीने का, तो बड़ा गुस्सा आता है और बड़ी कमजोरी महसूस होती है जब लोग ये कहते हैं कि रास्ते में आएंगे तो ये हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, केस बन जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम चूड़िया पहने घर बैठ जाएंगे, अगर रास्ते में नहीं आना तो चूड़िया पहने घर बैठ जाए। देखिए, किसी भी कौम के बेहतरी के लिए, उसके हक को हासिल करने के लिए आपके दिल में जज्बा है तो आपको रास्ते में आना ही पड़ेगा। अब रास्ते में आने का तरीका क्या होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है कि बहुत छोटी उम्र थी, हजरत मुस्तकीम आलम साहब बैठे हैं,
कि मस्जिद अक्सा को लेकर एक मोर्चा निकला था मुंबई के अंदर, 10 लाख आदमी था और एक आवाज नहीं था। 10 लाख आदमी था मुंबई में और एक सिंगल आवाज निकला नहीं था, और बड़ी खामोशी से, बड़े प्यार से, और मतलब कलमा पढ़ते रहो, दुरुस्त पढ़ते रहो, हाँ नारा लगाओगे ना जिंदाबाद मुर्दाबाद तोड़ लो कर लो तो फिर बाद में झगड़ा होने वाला है। तो आपको होना चाहिए कि मोर्चे का शक्ल क्या होना चाहिए, उसको लीड कौन करता है, उसको लीड किस तरह करता है, और क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में काफी बात करके आप बड़े शांति से, बड़े प्यार से अच्छी तरह मोर्चा, क्योंकि महात्मा गांधी ने आजादी हासिल की बगैर लड़े बगैर झगड़े, इसी तरह की ना, फला फला जगह भुगड़ताल किया, फला जगह मत दांडी मार्च किया, फला जगह ये किया। तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए कि जिस कौम के सिर्फ 3% लोग नमाज पढ़ते हो उसको कहा कि पहुंचता है कि मांगे से ऐसी बात करे आके, 3% लोग नमाज पढ़ते हैं हमारी कौम के, तो जब अल्लाह को सुनते नहीं, अल्लाह की बात मानते नहीं, तो कौम की बात क्या मानेंगे। तो हमको शर्म इस बात पाना चाहिए कि हम तो कम से कम नमाजी हो जाए। एक मैंने बयान सुना था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि आप एक किसी आदमी को रखो जॉब पे रखो और बोलो फला काम कर फला काम कर फला काम कर, बार बार आपकी बात टालता है करता नहीं है, तो वो आदमी आपको निकाल देगा जॉब से। अल्लाह ताला बार बार कहता है ये करो ये करो ये करो ये करो, आप कुछ करते नहीं हो, फिर भी आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो और ऐसी बात भी करते हो, कितनी बड़ी बात है ये। तो पहले तो हमारे को चाहिए कि हमारा ईमान मजबूत करो, हम नमाज पढ़ना शुरू करें तो डर निकल जाएगा हमारे दिल से, तो डर जो हमारे दिल में बैठा डर निकल जाएगा। ये डर निकलने के बाद आप कौम की खिदमत कर सकते हो। इनामदार साहब पूना में रहते हैं, पूना कोई भिंडी बाजार नहीं है, वहां रहकर काम करते हैं और काफी केसेस फाइल किए, काफी केसेस में फेवरेबल जजमेंट हासिल किया उन्होंने। वो चाहते हैं बार बार कोर्ट जाना चाहते हैं कि रिजेक्ट करो मैं जा रहा हूँ कोर्ट जा रहा हूँ, क्यों, कि वो लीगली मजबूत है। अब जो जिमखाना मीटिंग हुई थी वहां एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको 5% जानकारी इसके बारे में, 5% जानकारी, ठीक है पॉलिटिकल लोग थे, नामवर लोग थे, लेकिन यहाँ काम बड़ा काम है ना, या नाम का काम या शोहरत का काम या अपना हमारा व्हाट्सएप पे चर्चा हो, ये लोग हमारी तारीफ करे, वो काम नहीं, यहाँ काम करके दिखाने का है। किसको दिखाने का है, जो हमारी आने वाली नस्ल आने वाली उसको दिखाने का ना, उसके लिए काम करना है। आज लोग बेगम अजीजा के बारे में कहते हैं कि गलती उनकी थी कि अगर उस वक्त बोलते रिजर्वेशन की तो आज हमारी नौबत ये नहीं आती, जैसा दलित को मेरे हमको मिल जाता, लेकिन उनका सोच अलग अलग सोच थी ना, वो टाइम पे कौम का ईमान की बड़ी मजबूती थी। वो क्या कहते थे, प्यासे न रहो दस्त में, प्यासे न रहो दस्त में, बारिश के मुंतजिर, मारो पाओ जमीन पर पानी निकल पड़े, तो वो ईमान था उनका। हमारा ईमान कमजोर इसलिए हम ऐसी बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए, और सोशल मीडिया सबसे बड़ा मूवमेंट है। आप इस आज की मीटिंग का चर्चा कीजिए, और हुसैन दरबार साहब लीड नहीं करेंगे इसको, मैं कुछ चाहता हूँ कि लीड ना करें, क्योंकि भी पॉलिटिकल लीडर है, मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, ऐसे लोग लीड करें जिनके अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कि जिन्होंने सोशल काम किया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनके नाम जमा कीजिए, एक बड़ी बड़ी मीटिंग बुलाइए और पूरे महाराष्ट्र को जमा कीजिए। आपका जमा होना ये सिग्नल होगा कि काम शुरू होने वाला है, और आसान तरीका ये भी है, हालांकि देखिए मैं सियासी हूं, तो पहले सियासी आदमी हूं, पहले कह दिया मैंने, सबसे आसान तरीका ये है कि जिस गवर्नमेंट ने आपको 5% वोट 5% रिजर्वेशन दिया, उसको चुनकर वापस आइए, ले लीजिए रिजर्वेशन, कुछ मत कीजिए, खाली वोट दीजिए कांग्रेस को। उन्होंने आपको भले आखिरी 2 महीने में दिया, लेकिन दिया तो सही। आज कोर्ट ने उसको अफेंड भी किया है कि आपको 5% रिजर्वेशन जॉब एजुकेशन में अलाउड है, जॉब की बात नहीं आती है, तो आपको चाहिए कि 2019 के पहले पहले जॉब में भी मिलेगा मिलेगा वो भी कह रहा जो, और 2019 के पहले पहले ऐसा माहौल मत बनाइए जिससे पोलराइज हो, उसका फायदा बीजेपी सीजन को पहुंचे। कोई जज्बाती बातें नहीं, कोई जज्बाती नारे नहीं, कोई जज्बाती मोर्चे नहीं। देखिए ये सब ऐसा हो रहा है कि हमारा एजेंडा हम नहीं तय करते, वो आरएसएस तय करती है कि इनको किस काम पे लगाना चाहिए। 10 साल आपको काम पे लगा दिया, 10 साल इस काम पे लगा दिया, तो इसलिए आज हम लोग इधर पीछे आ गए। और हमारा सबसे बड़ी वजह क्या है, बार बार बहाना करना बीजेपी शिवसेना बजरंग दल आरएसएस, हमारी कमजोरी देखते ही नहीं हम लोग कभी। अरे हम जाके देखें कि हमने हमारी कौम के लिए क्या किया है, हमको ही जाके देखना पड़ेगा। जिस कौम के इमाम की तनख्वाह 500, 800, 1000, 2000 हो, उस कौम का क्या हाल होगा। आपके इमाम की तनख्वाह क्या है, 5-6 हज़ार, साथ नाश्ता कर सकते नहीं लोग, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बुरा लगता है। हालांकि इस बात करना भी गलत है, आप हमारे सब दोस्त भाई हैं, लेकिन गुस्सा आदर से बात करता हूँ कि हमको चाहिए कि जहाँ जहाँ कमजोर को देखिए मैं हालांकि बड़े उससे बोलता खुलकर बोलता हूँ, 5 लोग जाते नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर, पानी वजू हवा का इस्तेमाल करते, पंखे के नमाज पढ़ते, लेकिन खादिम को 50 साल में 5 रुपया नहीं दिया, खादिम को 50 साल नमाज पढ़ेगी 5 रुपया खादिम को नहीं दिया। तो हमको सोचना चाहिए कि हमको पहले अपने आप में मुरूद करना चाहिए, उसके बाद में कौन को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
इसके